हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र का विशेष महत्व है। इस शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर की बनावट के आधार पर उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। शरीर के अलग अलग अंगों के आधार पर किसी भी व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे शरीर पर तिल का होना सामान्य सी बात है। सभी के शरीर पर तिल होते हैं, कुछ तिल जन्मजात होते हैं तो कुछ समय के साथ हमारे शरीर पर आते जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिलों का अलग अलग महत्व होता है। आमतौर पर सभी तिल काले रंग के होते हैं, पर कुछ लोगों के तिल भूरे और लाल रंग के भी होते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद तिलों के जरिए हम अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे तिलों के जरिए अपने व्यक्तित्व और अपने भाग्य के बारे में हम पता कर सकते हैं। नंबर एक, बाद बोहों के बीच में तिल। दोनों बोहों के बीच में तिल होने पर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। ये लोग अपनी बुद्धि से कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। दाहिनी बोह पर तिल होना सुखी जीवन का संकेत है, जबकि बाईं तरफ का तिल अशुभ माना जाता है। इससे मनुष्य को जीवन में कई बार निराशाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर दो, माथे पर तिल। माथे पर तिल का होना मनुष्य को भाग्यवान बनाता है, जबकि होठों पर तिल कामुकता की निशानी है। तिल अगर स्त्री के सिर पर बाएं भाग और पुरुष के दाएं भाग पर हो तो ये शुभ माना जाता है। नंबर तीन, बाएं गाल और नाक पर तिल। स्त्रियों के बाएं गाल पर तिल हो तो ये शुभ माना जाता है। इस जातक को अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। यदि तिल नाक के आगे वाले हिस्से में हो तो स्त्री को विवाह के पश्चात बहुत सुख मिलता है। नाक के दाहिनी तरफ तिल कम कोशिश के साथ अधिक लाभ देता है, जबकि बाईं तरफ का तिल अशुभ प्रभाव देता है। ठोड़ी पर तिल होना भी बहुत शुभ माना गया है। नंबर चार, आँखों के आसपास तिल। बाई आंख के ठीक नीचे तिल हो तो व्यक्ति कामुक स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन साथी को इस सब का असर दिखाई देता है, और जिन लोगों के बाई आंख की पलक पर तिल हो तो समझ लें कि उनका दिमाग बहुत तेज है। ऐसे लोग मुश्किलों से सामना करने वाले होते हैं। गाल की हड्डी पर तिल। जिन लोगों के दाहिने गाल की हड्डी पर तिल होता है वे लोग भावुक होते हैं। भावुक होने के कारण वे कई परिस्थितियों में फंस भी जाते हैं। नंबर पाँच, हथेली पर तिल। अगर आपकी हथेली के बीच में तिल है तो ये संकेत देता है कि आपको धन मिलेगा। बाह में कोनी के नीचे तिल का होना शुभ होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि कलाई पर तिल अशुभ होता है। इन लोगों को पैसे के साथ जीवन में खुशियां भी बहुत कम मिलती हैं। दोस्तों, तिल के आकार का भी बहुत ही महत्व है। बड़े तिल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य से अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्या सुख भाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र की मानो तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज्यादा तिल हो तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। ये भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वे उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का होता है। दोस्तों, शरीर पर बनने वाले कुछ चिन्हों और तिलों को शुभ माना जाता है तो वहीं कुछ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ चिन्ह ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाते हैं। जिन लड़कियों के शरीर पर ये होते हैं उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं कि किन लड़कियों को माना जाता है बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली। नंबर एक, पैर के तलवे में शुभ निशान। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लड़कियों के पैर के तलवे में शंख, कमल या चक्र चिन्ह बना होता है वे स्वयं और परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। ये स्वयं भी किसी ऊंचे पद पर पहुंचती हैं। इसके साथ ही जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा चौड़ा होता है और गोलाई एवं लालिमा लिए होता है तो उनका पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। नंबर दो, शरीर के बाएं हिस्से में तिल। हर व्यक्ति के शरीर के अलग अलग हिस्से में तिल होते हैं। कुछ तिल व्यक्ति के जन्म समय के होते हैं तो वही कुछ तिल बाद में बन जाते हैं। शरीर पर बने हुए तिलों का अलग अलग महत्व माना जाता है।
यदि किसी महिला के शरीर पर दाएं हिस्से की तुलना में बाएं हिस्से में अधिक तिल होते हैं तो माना जाता है कि ऐसी लड़कियां परिवार के लिए भाग्यशाली होती हैं। नंबर 3, चौड़ा माथा। समुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है वे बहुत भाग्यशाली होती हैं। यदि किसी लड़की का माथा 3 उंगलियों से चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियां सौभाग्य और सुख में वृद्धि करने वाली होती हैं। माना जाता है कि ये जिस घर में जाती हैं वहां धन धान्य और खुशहाली बनी रहती है। ये लड़कियां स्वभाव की कठोर होती हैं लेकिन दिल से नरम होती हैं। जिन लड़कियों का माथा आगे से उठा हुआ होता है उनके विषय में माना जाता है कि ये भाग्यशाली, तीक्ष्ण बुद्धि एवं विदुषी होती हैं। ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने और उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। नंबर 4, लंबी उंगलियों वाली लड़कियां। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं वे अपने पति के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। इनकी जिससे भी शादी होती है उसे नौकरी और व्यवसाय में खूब तरक्की प्राप्त होती है। नंबर 5, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन औरतों की आंखें बड़ी होती हैं वे काफी दयालु पर्वती की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वे अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती है वहां धन की कोई भी समस्या नहीं आती। नंबर 6, महिलाओं के लंबे बाल होना भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलते हैं और ये कभी भी सपनों की दुनिया में नहीं रहती। ये साफ और सुलझे विचारों की होती हैं। बड़े बाल वाली महिलाओं में मैनेजमेंट की अच्छी योग्यता होती है। नंबर 7, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन सामान्य से थोड़ी लंबी होती है ऐसी महिलाएं ऐश्वर्य का सुख भोगने वाली होती हैं। ये अपने परिवार के सुख के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और सफल होती हैं। उनका दाम्पत्य जीवन काफी सुखमय होता है। ऐसी महिलाएं कभी किसी पर निर्भर नहीं रहती। नंबर 8, हम सभी लोगों को पता है कि जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं वे महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और जिन महिलाओं की पलक के बाल काले होते हैं वे महिलाएं भी काफी भाग्यशाली होती हैं। कहते हैं महिलाओं के शरीर के कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जहां पर बालों का होना शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता और इन अंगों में हाथ शामिल है। कहते हैं जिन महिलाओं के हाथों पर बाल काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं वे महिलाएं काफी गुस्से वाली होती हैं और वे छोटी छोटी बातों पर दूसरे लोगों से उलझने लगती हैं और शादी के बाद अपने पति को खुश नहीं रख पाती। कम बाल वाली महिलाएं या बाल ना होने वाली महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं। कहते हैं जिन पुरुषों के हाथों पर काफी सारे बाल होते हैं वे पुरुष शुभ माने जाते हैं और ऐसे पुरुष बुद्धि के काफी तेज और अधिक ज्ञानी होते हैं। कहते हैं जिन पुरुषों के हाथों पर कम बाल या बाल बिल्कुल नहीं होते वे पुरुष मतलबी होते हैं और ये दूसरे व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं और किसी भी व्यक्ति को खुश नहीं देख सकते। इस कारण सभी की जिंदगी में खलल डालते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।